हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ असलम अहमद और ये जो ट्यूटोरियल है टेक्स्ट बॉल इन कोरल ड्रॉ। हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ ग्राफिक्स, कुछ इमेजेस या कुछ डिज़ाइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं और बहुत हार्ड दिखते हैं, लेकिन दरअसल वो हार्ड उतने नहीं होते। उसे बनाना बड़ा सिंपल होता है। यानी मैं और कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये देखिए, इस तरह के इमेजेस आपने देखा होगा गूगल में, उसमें तो ये जो आर्ट वर्क है आप भी बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और मैं भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि ट्यूटोरियल्स बहुत ही सिंपल हो, बहुत इजी हो, कि आप जल्द से जल्द उसे सीख सकें। तो यहाँ पर मैं ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको एक बॉक्स ले लीजिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसमें मैं टाइप करता हूँ। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, इसके 18, और इसे बोल्ड भी करता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। कॉपी नहीं हुआ इसलिए कंट्रोल सी कॉपी। उसके बाद मैं फिर से रिपीट फॉर ट्रिक्स, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, इस तरह से आप टेस्ट को पूरे बॉक्स में फिल कीजिए। से आप कर सकते हैं। उसके बाद तो इस तरह से आप पूरा कंप्लीट फिल कीजिए। उसके बाद हो सका तो फुल जस्टिफाई कीजिए, कंप्लीट कीजिए बॉक्स को पूरा। एक बार अगर आप कर चुके हैं तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट लेता हूँ वही टेक्स्ट को। ये देखिए, पूरा कंप्लीट जब टेक्स्ट आप करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ मैं एलिप्स टूल पर क्लिक करके एलिप्स को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल पकड़ कर, ताकि राउंड एग्जैक्ट राउंड आए। यहाँ पर बॉक्स ड्रा कर दिया हूँ। इसके बाद आपको इफेक्ट मेनू में जाकर लेंस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर राइट साइड में एक बॉक्स आएगा, विंडो छोटा सा आएगा, उस पर लिखा होगा कि नो लेंस इफेक्ट, ये जो भी हो। लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसमें जाने के बाद फिश आई को क्लिक कीजिए, तो ये ऑटोमेटिक ये इफेक्ट आ जाएगा। है ना कितना सिंपल। अब इस आप सर्किल को जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ का जो टेक्स्ट है वो फिश आई की तरह, यानी मैग्नीफाइड जैसा ग्लास होता है उस तरह का नज़र आएगा आपको। ये देखिए, अगर इस आउटलाइन को मैं रिमूव भी करता हूँ तो देखिए किस तरह से दिखता है। उसके बाद मैं जहाँ पर भी इसे रखूँगा ले जाकर आउटलाइन रिमूव करने के बाद, ये देखिए यहाँ का ऐसा लग रहा है जैसे मैग्नीफाई ग्लास से आप देख रहे हैं। तो फिलहाल इसे मैं सेंटर करता हूँ। इसे बाजू रखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इतना पार्ट, जितना ये सर्किल है इतना पार्ट आप जो जूम हो रहा है अंदर, जो टेक्स्ट जूम हो रहा है सिर्फ उससे कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फ्रोजन जो ऑप्शन है उसे टिक मार्क कीजिए। तो ये देखिए, सिर्फ इतना सा पीस है, यानी इतना सा
सर्किल जितना सिलेक्ट किया था उतना हमें बाहर आ जाएगा। इसका आउटलाइन आप निकाल भी सकते हैं, उसके बाद आप कलर अप्लाई कर सकते हैं जो चाहें। उसे अनग्रुप करता हूँ, उसके बाद मैं कलर अप्लाई करता हूँ। ये तो बेसिक है, आप चाहे तो इसे और भी क्रिएटिव कर सकते हैं, और इस ट्यूटोरियल के ज़रिए आप दूसरे और बहुत से डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ। खुदा हाफिज़।